Hello everyone, I am Shivam, the owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CATs, ZAT, NMAT, SNAP and IFT. So guys, as we know that Maharashtra CET and SRCC exams are coming, and both the exams have basically main weightage of arithmetic. So arithmetic mein guys kafi weightage, and if you look at the last 2 years paper of SRCC, so I was shocked to see that ki around 40 questions mein se 27 se zyada questions arithmetic ke the, theek hai. एंड सो वी नीड टू हैव ए वेरी गुड होल्डिंग ऑन अर्थमेटिक, ठीक है. काफ़ी अच्छा हम लोग को ट्रिक्स वगैरह पता होने चाहिए और स्पीड होनी चाहिए अच्छी, तभी हम लोग अच्छा कर सकते हैं. सेम इज़ द केस विथ सी ई टी. सी ई टी भी काफ़ी कॉम्पिटेटिव पेपर एंड इवन मोर कॉम्पिटेटिव दैन एस आर सी सी, क्योंकि जे वी एम एस के लिए देर इज़ अ फाइट. सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग वन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, मिक्सचर है वो, जिससे कि आपको आइडिया होगी क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच. जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को पता चल जाएगा. कोई बहुत बड़ा ऐसा कंसेप्ट नहीं, आप लोगों को पता होगा, बट काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं पता होता, तो मैं बता दूंगा उनको. तो एक वीडियो बनाने का मेरा मन था कि चलो उससे बनाता हूँ अर्थमेटिक पे, तो एक क्वेश्चन मुझे अच्छा दिखा, मैं चलो बना देता हूँ उस पर, ठीक है. सो गाइस, क्वेश्चन सेज दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट पर ईयर फॉर 2 years इज 2050 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट फॉर 3 years इज 3000. द अमाउंट ऑफ मनी इज, ठीक है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको 2 साल के लिए दिया गया है 2050 एंड सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 3 साल के लिए 3000, ठीक है. सो गाइस, एक चीज़ याद कर लो कि दो फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. कभी भी अगर ऐसा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो 2 साल का या 3 साल का, तो उनके डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखो हमेशा. सो फॉर सी आई माइनस एस आई, सॉरी, या सो सी आई माइनस एस आई फॉर 2 years, ठीक है, 2 years का फॉर्मूला होता है पी आर बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है, पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर. सिम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years अगर दिया हो तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है. सिमिलरली फॉर 3 years, अगर 3 years की बात हो, 3 years के लिए सी आई माइनस एस आई होता है पी आर बाई 100 स्क्वायर 3 + R/100. ये फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए. जब बोल रहा हूँ आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का है तो डिफरेंस है. अब देखो इसके फॉर्मूला का यूज़ कैसे होगा ये भी देख लेते हैं एक बार. देखो कभी कभी क्या होता है कि सी आई और एस आई 3-3 साल का दिया हुआ है, ठीक है, और एस, ठीक है, तो तुम डिफरेंस निकाल के डिफरेंस निकाल दो दोनों का और एस आई यूज़ कर लो, फिर दोनों का रेशियो ले लोगे तो पी पी कट जाएगा और आर बचेगा. तो इसमें से क्या होता है ना कि हमें रेट निकलने के लिए बहुत ईजी होता है. तो ऐसे क्वेश्चन जब सी आई और एस आई दिया हो ना, 1-2 साल या 3 साल, तो ये थिंकिंग लेके आओ कि अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से. जैसे सपोज इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं आप, ये फॉर्मूला नोट कर लो, वैसे पता ही होगा आप लोग, तभी नोट कर लो जिसको करना है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे दिया है कि 2 साल का सी आई इज़ गिवन एज, सी आई फॉर 2 years इज़ गिवन एज 2050, ठीक है, ये 2 साल का है. और एस आई सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम अमाउंट एट ए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3 years, ठीक है. तो देखो एक साल का देखो, यहाँ पे 2 साल का दिया, यहाँ पे 3 साल का दिया, हमें दोनों 2 साल का चाहिए. तो हम सी आई एस आई हमारा कितना हो जाएगा 2 साल का. एस आई हमेशा इक्वली होता है, 3 साल का 3000, तो 1 साल का 1000, तो 2 साल का 2000, तो एस आई आ गया हमारा 2 साल का 2000, ठीक है, ये भी 2 years का आ गया. अब देखो एस आई माइनस सी आई, सी आई माइनस एस आई निकाल सकते हैं, मतलब 50 डिफरेंस आ गया. ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी आर बाई 100 का स्क्वायर. तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. और सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं. अब सेकंड इक्वेशन ये है मेरे पास, 3 साल का एस आई दिया है मुझे, तो एस आई फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 3000 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 3 upon 100, ठीक है, ये कट गया. अब देखो 50 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 100 एंड 1000 इज इक्वल टू पी आर बाई 100, ठीक है. यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि हम दोनों को डिवाइड करते हैं, अगर फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन मान लो, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे अगर हम,
ठीक है, सेकेंड बाई फर्स्ट कर दो तो 1000 बाई 50 इज वॉट 20 इज्क्वल टू पी आर बाई 100 कर दो, पी आर बाई 100 कर दोगे तो पी पी तो कट जाएगा, ठीक है, पी पी कट गया, आर बाई 100, एक आर बाई 100 कट गया, एक आर बाई 100 बचेगा, ठीक है, एक आर बाई 100 बचेगा तो 100 बाई आर हो जाएगा वो, 100 बाई आर हो जाएगा वो, ये टू कट गया, रेट आ गया बस 5%, बहुत सिंपल हो गया। तो ये ट्रिक थी यहाँ पे कि हमें पूरा फॉर्मूला नहीं लगाने दोनों की, सिंप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने लग गए कि पी इंटू 1 + r/100 का क्यूब वो माइनस पी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला मत लगाना, सी आई एस आई में रिलेशन निकालो कि कैसे हम जाएँ कि दो दो साल वाला फॉर्मूला याद कर लो कि एक सिंपल इंटरेस्ट तो मुझे पता ही, 3 साल कितना है, 2 साल कितना होगा, 2000 होगा, तो हमारा डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, और ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के रेशियो निकालो। तो ये एक अप्रोच, ये क्वेश्चन देने का मतलब ये था कि आपको ये अप्रोच आती है कि नहीं आती है, ये इंपॉर्टेंट अप्रोच है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो ईजी है। अब रेट आ गया 5%, हमें निकालना है एक्चुअल में क्या अमाउंट, इनिशियल अमाउंट कितना था उनके पास, ठीक है, तो यहाँ पे रेट रख दो, क्या लिख क्वेश्चन में रख दो, ईजी है लिख क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर 1000 = P × 5/100 ये करेंगे, 20 आ गया, 2000 20000 आ गया प्रिंसिपल, ठीक है गाइस, तो ये हमारा आ गया, तो हमारा ए इज़ द आंसर। सो गाइस बस यही एक मेन मोटिव था बताने का, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और देख लो एक बार कि एक छोटी सी ट्रिक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये क्लियर कर रहा हूँ मैं, एक छोटी सी ट्रिक क्या है कि कभी भी अगर ऐसा दिया था ना 3 साल 4 साल का सीआई, तो क्या किया करो कि या तो के वाई 100 जो होता है, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज्कल टू पी 1 + r/100 टू द पावर एन, तो ऐसे केस में 1 + r/100 टू आर एन, या फिर आर बाई 100 मैक्सिमम केस में आर बाई 100 को के मान लिया करो, ठीक है, के मान लिया करो उसको, के मानने से इजी हो जाएगा, या फिर पूरा मान लिया करो 1 + r/100 को के मान लिया करो, तो ये हो जाएगा पी के क्यू, पी के एन माइनस पी, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग पी माइनस करते हैं ना, ए माइनस पी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ए हमारा हो गया इतना पार्ट, पी 1 + r/100 टू आर एन माइनस पी। तो कभी कभी बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें कि 4 साल का दिया है, फिर 2 साल का दिया है, फिर हमें रेशियो लेना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में 1 + r/100 को मान लिया करो के, वरना गलत हो जाएगा, ऐसा निकलेगा नहीं, वरना कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, हमेशा के मान लिया करो कि हमेशा निकलेगा, वो देख लो अपने अकॉर्डिंग कि कैसे मानना है, कभी के मान लो इसको, कभी r/100 को के मान लो, ठीक है। तो ऐसा करने पर यू विल गेट द आंसर। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ये छोटा सा कंसेप्ट था, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था, बट हाँ CI ये CET SRCC मैट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता होता है वो लोग पूरा लगाएंगे फॉर्मूला बैठ के, 3 साल के लिए अलग, 2 साल के लिए अलग, फिर उनका टाइम जाएगा 10-5 मिनट, तो कोई फ़ायदा नहीं उससे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू लाइक दैट, और भी इस तरह के वन लाइनर कंसेप्ट आएंगे तो सब्सक्राइब कर लो गाइस चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक भी कंसेप्ट अगर मिस हो तो आप पर उसमें नुकसान होगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव बहुत है, JBIMS के लिए बहुत ज़्यादा फाइट है, लोग एक एक साल से पढ़ रहे हैं CET के लिए, ठीक है, तो कर लो सब्सक्राइब चैनल को, ठीक है, चलो फिर ऑल द बेस्ट, बाय बाय।